उमेदंगा में बीती रात्रि असामाजिक तत्वों ने 3 मंदिरों में तोड़फोड़ कर मूर्तियों को किया खंडित। थाना क्षेत्र के उमेदंगा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आस्था एवं भक्ति के स्थल पर जब सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने पहुंचे तब देखा शिव मंदिर के शिवलिंग, नंदी, बंजर बलि की मूर्ति एवं भगवती मंदिर में पिंडी एवं भगवती त्रिशूल को अज्ञात अपराधियों ने खंडित किया है। खबर क्षेत्र में अहले सुबह आग की तरह फैली और आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ मंदिरों में जमा होने लगी है। सूचना पाकर बुरमू पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं उमेदंगा मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। मामले पर डीएसपी खलारी रामनारायण चौधरी, थाना प्रभारी रामजी कुमार, प्रमुख सत्यनारायण मुंडा, उप प्रमुख हरदेव साहू सहित प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उक्त सामाजिक तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मानसिक विक्षिप्त है, बोला ना जी, बोला है। हाथ टूट गए, टूटल मूर्ति का पूजा नहीं होता, होता है क्या करेगा गाँव वाले? कैसे होगा पूजा? मैं कैसे पूजा होगा? कल कौन दिन है, कैसे पूजा होगा? अभी सुन लीजिए, लेकिन अभी देखे गलती किसका है, गलती दूसरा लोग कर। अब बोलिए कुत्ता है काट लिया, तू कुत्ता है ये काटबे करेगा, तू भौंकबे करेगा। हम लोग को समझना चाहिए ना, हम लोग जिसको बैठाए हुए हैं मूड़ी पे, अब जो वर्तमान सरकार है इसलिए हिंदू विरोधी है कि नहीं है? बर्बाद करने वाले हम लोग का आदमी है। उत्तर प्रदेश में टूटता है मूर्ति जी, कहे योगी जी ऐसा आदमी है कि नहीं? एक बहन का दुपट्टा कोई खींच देता है तो खड़ा गोली मरवा देते हैं, ऐसा नेता चाहिए? अभी अभी मंदिर का बजरंग बली दो टुकड़ा हुए है ना, अभी अगर यही पर योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होते तो अभी करे वाला का 4 टुकड़ा हो रहा था। जाति पाति अपना हम लोग अलग है, तुम लोग अलग हो करके जिसको मूली में बैठाए हैं उस बंगाल बना रहा है, झारखंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो हम लोग का विश्वास मोदी पे है, अरे उत्तर प्रदेश बन जाए तो हम लोग का सौभाग्य होगा। हम लोग का झारखंड में ऐसा नेता हो जाए कि मंदिर में 75 को घाट तोड़वा दे, तो हाथ खाली कोयले से होगा? किसको चुनके बैठा है आप लोग माथा में? यहाँ पर क्या हो रहा है? धरने के बाद सुनिए ना भैया, जय का।